तो कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम है बोल्ट्स और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नए 0.15 हैलोवीन अपडेट के बारे में। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। तो इस नए अपडेट में हम लोगों को कुछ नए नए चीज़ें देखने को मिलते हैं। तो पहला है हम लोगों का नया पेलोड मोड और हैलोवीन मोड। तो इस मोड में आपको कुछ नए व्हीकल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि BRDM-2 जो कि एक टैंक जैसा व्हीकल है। और इस मोड में आपको हेलीकॉप्टर्स भी देखने को मिलेंगे। और एक फीचर्स जो बहुत ही ज़बरदस्त है वो पबजी पीसी की तरह एक्सप्लोडिंग फ्यूल ड्रम्स, मतलब वो जो गैस कैन होता है, आप उस पर अगर गोली मारोगे तो वो अभी एक्सप्लोड होगा। तो गाइस, और एक इंटरेस्टिंग फीचर जो आपको इस नए अपडेट में देखने को मिलेगा वो है आपका लेज ग्रैब। तो गाइस, अब बात करते हैं वेपन्स के बारे में, जैसे कि M16A4 वेक्टर, UMP-45 और MK-47 म्यूटेंट को ट्यून किया गया है। और एक नया पिस्टल इस अपडेट में आपको देखने को मिलेगा जो है आपका डेजर्ट ईगल। गाइस, डेजर्ट ईगल जो है बहुत ही हाई कैलिबर वाला पिस्टल है, मतलब आप बहुत ही कम शॉट्स में बहुत ज़्यादा डैमेज दे पाओगे। तो गाइस, इस अपडेट के मुताबिक गेम फाइल्स को टेंशन ने और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया है, मतलब लोअर एंड डिवाइस पे भी गेम बहुत ही आपका स्मूथ चलने वाला है। और जो टच कंट्रोल्स आप फ़ोन पे यूज़ करते हो उसका लेटेंसी भी कम हो गया है बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब, और इस चीज़ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती थी वो था, अगर आप स्कोप ओपन करके दौड़ना चाहते हो तो एक ग्लिच आता था, जो सबका नहीं, कुछ कुछ फ़ोन में या कुछ कुछ ग्राफिक सेटिंग्स में वो प्रॉब्लम आता था। तो वो भी स्कोप का जो ग्लिच था वो अभी फिक्स कर दिया है उन लोगों ने। और एक चीज़ आपको बहुत ही नया इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इस गेम में मिलेगा जो है आपका ग्रेफिटी का। तो गाइस, और एक चीज़ आप लोगों को नया इस अपडेट में मिलने वाला है जो है TDM का, और एक नया मैप। ये मैप पहले मैप से और थोड़ा ज़्यादा बड़ा होने वाला है, और ये मैप एस्टेक्स के रूनस के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर आपको एक नया मैप मिल जाता है गेम प्ले के लिए। तो गाइस, अब बात करते हैं पेलोड मोड के बारे में। पेलोड मोड में बहुत सारे हेवी वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि RPG ग्रेनेड लॉन्चर, MGL ग्रेनेड लॉन्चर। MGL ग्रेनेड लॉन्चर जो है थोड़ा काइंड ऑफ पुराने तरीके का ग्रेनेड लॉन्चर है, और हम लोगों ने रेसिडेंट ईविल अपडेट में जो मिनीगन देखा था वो फिर से हम लोगों का वापस आ रहा है पेलोड मोड में। तो बेसिकली पेलोड मोड में क्या होता है, हम लोगों को बहुत हेवी वेपन्स देखने को मिलते हैं। और पेलोड मोड में और एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा जो है सुपर वेपन क्रेट, जो हर 3 मिनट में आपको लेवल 3 आर्मर या फिर कोई भी पेलोड मोड का वेपन आपको ड्रॉप करता जाएगा। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं व्हीकल रिपेयर पैक्स और कुछ कुछ जो जो नए नए एडिशन्स हैं इस अपडेट में। व्हीकल रिपेयर पैक से क्या कर सकते हो आप, आपका जो डैमेज होता है व्हीकल वो व्हीकल रिपेयर पैक से आप रिपेयर कर सकते हो। और आपको और एक चीज़ नया मिलेगा जो है आपका एयर स्ट्राइक बीकन। एयर स्ट्राइक बीकन से आप एयर स्ट्राइक बुलवा सकते हो। और अभी बात करेंगे नए व्हीकल जो हम लोग बात किए थे BRDM-2, लाइक जो कि एक टैंक टाइप का व्हीकल है। तो उसमें आपको क्या नया फीचर्स देखने को मिलेंगे। BRDM-2 जो है बेसिकली आर्मर्ड यूएसजी है उसको रिप्लेस करता है। तो उसमें हम लोगों को बुलेट प्रूफ टायर्स देखने को मिलेंगे, ताकि आपका कोई शूट करके आपके टायर्स जो है डिफ्लेट ना कर पाए। और वैसे जो BRDM-2 जो गाड़ी है वो नॉर्मल गाड़ी से कम डैमेज लेता है। और कुछ कुछ चीज़ें जो हमारे इस अपडेट में आने वाले हैं वो है परफॉर्मेंस इश्यूज़, लाइक बहुत टाइम होता है लोडिंग स्क्रीन पे कहीं कहीं पे अटक जाना एंड ऑल दैट्स, वो भी आपका सब कुछ यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ किया गया है। और एक चीज़ जो मेन चीज़ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है वो है रिड्यूस्ड CPU यूसेज, मतलब अगर आपका लोअर एंड फ़ोन है या फिर आपका FPS कम देता है तो इस अपडेट में आपका ग्राफिक्स जो है कम ग्राफिक्स में भी आपका गेम बहुत अच्छे से चलने वाला है। और ग्राफिटी के बारे में बात कर लेंगे। ग्राफिटी हम लोग मिनिमम 4 ले जा सकते हैं बैटल फील्ड में, और 4 के 4 ग्राफिटी का हम लोगों को इन्वेंट्री में मिलेगा। और हम लोग 4 ग्राफिटी बैटल फील्ड में, मतलब PUBG जब हम लोग क्लासिक या फिर कोई भी गेम खेल रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग अपना ग्राफिटी। तो गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो गाइस, अगर आप नए हैं उस चैनल पर